सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शाम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, कस्टम मेनिया। सो गाइज, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा, आज हम अपनी कार में इंस्टॉल करने वाले हैं फॉग लैंप्स को। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने कुछ टाइम पहले अपनी कार की हेडलाइट्स और बम्पर चेंज करे थे, और इन सबको चेंज करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि मुझे फॉग लैंप्स अपनी कार में इंस्टॉल करने थे। जो हमारा पहले वाला बम्पर आता था उसमें वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि फॉग लैंप्स लगाना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अगर हम अपनी कार में ज़्यादा वॉट के बल्ब लगाएंगे या फिर कोई एलईडी में अपग्रेड करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपके चलान बहुत जल्दी हो जाएं, और इवन आपकी कार की बैटरी लाइफ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं फॉग लैंप्स भी काफ़ी रिक्वायर्ड थे। दोस्तों, काफ़ी जगह रिसर्च करने के बाद, काफ़ी चीज़ों में देखने के बाद मुझे कुछ फॉग लैंप्स अच्छे लगे थे जिनको मैंने सॉर्ट आउट करा था, और उसमें से मैंने एक फॉग लैंप्स को आज सिलेक्ट करा और आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ कि वो कैसा फॉग लैंप है। आज हम इंस्टॉल करने वाले एलईडी लेंस फॉग लैंप्स को। तो इसमें DRL भी इनबिल्ट है, और ये सिंपल फॉग लैंप नहीं है, इसके अंदर आपको DRL देखने को मिल जाती है। DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट होती है, और वैसे बेसिकली ये है बलिनो कार के लिए। जो अभी मारुति की नई कार आती है बलिनो, ये उसके फॉग लैंप्स हैं, बट ये आपकी ऑल्टो में फिट हो जाएंगे आराम से। क्योंकि भाई देखो, होता क्या है कि मोस्टली जो फॉग लैंप्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, काफ़ी सारी कार्स में फिट हो जाते हैं, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करने की देर होती है। अगर आपने सही से एडजस्टमेंट कर लिया तो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, अगर एडजस्टमेंट ख़राब है तो शायद उतना अच्छा वर्क नहीं होगा। इसलिए गाइज, ये जो फॉग लैंप्स हैं बलिनो के हैं, पर हम इसे अपनी ऑल्टो में फिट करने वाले हैं, और आप भी कर सकते हैं अपनी कार के हिसाब से अगर आपकी कार में गोल वाले फॉग लैंप्स लगते हैं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और पहले के वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने पूरी मॉडिफिकेशंस करके दिखाई हैं। आपको पूरी सीरीज चल रही है हमारी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और काफ़ी ऐसी मॉडिफिकेशंस दिखाई हैं जो आप अपनी कार में कर सकते हैं, जो मतलब यूनिवर्सल मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, कितने के हमें फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज, ये जो फॉग लैंप्स हैं आपको अप्रॉक्स 1300 के देखने को मिल जाते हैं, 1299 के समथिंग के मुझे भी मिल गए थे, और ये भी आपको इतने के देखने को मिल जाएंगे। प्राइसेज जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कभी प्राइस बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्या पता डील अच्छी चल रही हो। तो गाइज, अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइज़, मैंने जो है अपनी कार में इनको फिट करने के लिए एक सिंपल तरीका ये देखा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है ना गाइज, जो हमारा नया वाला बम्पर है उसमें सिर्फ 3 नट हैं, और उन 3 नट की स्पेसिंग भी मैच नहीं कर रही है जो हमारी फॉग लैंप की स्पेसिंग है उसके साथ। तो मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि पहले तो आप जितने नट आपके जो स्पेसिंग में लग रहे हैं ना उनको लगा लो, उसके बाद जहाँ पे भी आपको लग रहा है गैप बहुत है या फिर ज़्यादा गैप आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक काम करिए, एम सील लीजिए और एम सील को लगा लीजिए। एम सील लगा लेंगे तो उसे होगा कि फॉग लैंप्स जो है ना काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएंगे, बार बार हिलेंगे नहीं। अगर आप किसी भी खराब रोड में जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए गाइज, मैं यहाँ पे एम सील का यूज़ करने वाला हूँ, आप भी कर सकते हैं। और गाइज, ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये वाले फॉग लैंप्स, तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि एम सील पिघल जाए जो भी हो जाए, ऐसा इसमें नहीं होगा। वो हैलोजन वाले बल्ब में हो सकता है, मतलब हैलोजन वाले फॉग लैंप्स में हो सकता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Hello, we've broken heart.
तो दोस्तों अब बात आती है इसकी, हमें वायरिंग कैसे करनी है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे कि भाई जो इग्निशन के साथ होता है ना उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना तो काफ़ी अच्छी लगती है DRLs। तो गाइज वो वाली चीज़ जो है मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि फॉग लैम्प्स में DRL अच्छे लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी हेडलाइट में DRL आती है ना वो मैं आपको इग्निशन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी अगर आपको फिर भी करना है तो गाइज आप मेरी पहले की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें जो है मैं अच्छे से आपको इग्निशन के साथ कनेक्ट करके दिखाया है। और फिलहाल आज की वीडियो में गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि इस फॉग लैम्प्स में दो कनेक्शंस होंगे, एक तो हमारे मेन फॉग लैम्प्स के लिए और एक हमारी DRL के लिए। तो गाइज जो DRL है हमारी जो साइड से रिंग लाइट जलेगी वो हमारी जलेगी पार्किंग के साथ, और जो हमारी मेन बड़ी वाली लाइट है जो फोकस की लाइट है वो भी हमने इग्निशन के साथ कनेक्ट कर दी है। पर अब यहाँ पे ना गाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आप सबसे पहले जो इग्निशन वाले स्विच की बात करी थी उसका मतलब ये था, जब भी हम अपनी कार की की को ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, और जब तक आपकी की ऑन रहेगी ना तब तक वो लाइट जलती रहेगी। पर यहाँ पे गाइज मैंने वो चीज़ पहले ही कर ली थी, और उसके बाद मैंने बीच में एक स्विच लगा रखा है, जैसे जब भी मुझे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ, जिससे होता क्या है कि बैटरी भी सेफ रहती है और जब ज़रूरत नहीं होती तो अननेसेसरी लाइट भी यूज़ नहीं होती, जिससे कहीं ना कहीं लाइट की लाइफ भी बच जाती है। अगर आप चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो। अब कमेंट्स में ये चीज़ बोल रहे थे भाई इग्निशन के साथ कनेक्ट करके दिखाओ, तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझा दूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है इग्निशन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप किसी मैकेनिक के पास चले जाना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कार के जो इग्निशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम कर दी ना तो हो सकता है कि आपकी कार लॉक हो जाए, और एक बार कार लॉक हो जाएगी ना तो फिर आप समझ भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ वो समझ सकते हैं जिनने ये चीज़ देखी है, मतलब जिनके साथ ये हुआ है या कभी उन्होंने किसी के होते हुए देखा है तो वो समझ पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि कार में जो कार का जो मेन सिस्टम होता है ना अगर वो लॉक हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको गाड़ी में जैसी है वैसी खड़ी रह जाएगी। इसीलिए ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, आप किसी मैकेनिक के पास जाइएगा, वो आपका काम बिल्कुल सेफली कर देगा। और गाइस अगर आपको मैं एक सिंपल सा वायरिंग डायग्राम बताऊं तो आप एक काम करिएगा, आप एक नेगेटिव वायर अपनी कार की किसी भी बॉडी पार्ट से टच कर सकते हैं तो आपको नेगेटिव करंट मिल जाएगा, और पॉजिटिव की एक वायर अपनी सीधी बैटरी से कनेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब जो वायर आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में एक फ्यूज़ ज़रूर रखिएगा, अगर इनकेस कहीं से भी अगर शॉर्ट सर्किट कुछ होता है तो आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फ्यूज़ ब्लोन ऑफ हो जाएगा, जिससे आपकी फॉग लैम्प्स और बैटरी दोनों सेफ रहेगी। दूसरा, उसके बीच में एक स्विच ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि जब भी आपको मन नहीं करेगा आप उसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, मतलब जब आप चाहें तो ऑन कर लीजिए जब चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने गलती से कार ऑफ कर दी और बटन ऑन है तो आपकी सारी बैटरी ड्रेन हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो गाइस आई होप कि आपने वायरिंग वगैरह अच्छे से समझ ली होगी, अब हम इसको पूरा फिट कर लेते हैं। और अब आपको मैं एक बार पूरा इसका रात का रिव्यू दिखाता हूँ कि रात में कैसी लगती है। देख सकते हैं कि अभी हमारी सिर्फ DRL ऑन है, और जो हमारी DRL है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बट हाँ काफ़ी मतलब एक सही अपेयरेंस दे रही है कार को। और अब हम जो है अपने फॉग लैम्प्स को ऑन करते हैं, जो हमारे मेन फॉग लैम्प्स हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हैं ये हमारे मेन फॉग लैम्प्स हैं और ये ऑन हो चुके हैं, मतलब इनकी ब्राइटनेस भी काफ़ी सही है, ठीक मतलब जो है विजिबिलिटी आ रही है। पहले की जो हमारी कंपनी के स्टॉक बल्ब्स थे उसके हिसाब से तो काफ़ी सही लग रहे हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखता है, नीचे गड्ढे वगैरह नहीं दिखते हैं। अगर आपने उसको हाई बीम पे चला रखा है, मतलब अपनी जो मेन हेडलाइट है उसे हाई बीम में रखा है, तो आपको नीचे जो है पॉट होल्स या गड्ढे स्पीड ब्रेकर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो फॉग लैम्प्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे, इवन फॉग में भी कहते हैं कि ये मतलब सही काम करेंगे। वैसे मैं आपको बोलूँ वाइट वाले जो होते हैं ना फॉग में उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, फॉग में सिर्फ येलो वाले ही सही काम करते हैं बल्ब। थोड़ा सा इसके आप फोटोज़ वीडियोज़ देख लीजिए, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कैसा काम कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। सो गाइज आई होप कि आपने जो वीडियोस देखी हैं उससे आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा इसकी कैसी इसकी लाइट है, उसके हिसाब से आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसको रोड में इसलिए टेस्ट नहीं करके दिखा पा रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, और भाई मेरे घर के बाहर ही मतलब पोस्ट है, चेक पोस्ट है, तो मैं इसे बाहर नहीं निकल रहा हूँ अननेसेसरी। आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने अपने घर के वहीं पर दिखा दिया है ताकि आप थोड़ा समझ जाएँ इसकी ब्राइटनेस कैसी है, एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ।